हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग जोन एंड फार्मिंग सिमुलेटर 22 के प्लैटिनम एडिशन के फर्स्ट लुक वीडियो में आपका वेलकम है। तो ये प्लैटिनम एडिशन जो है लगभग काफ़ी टाइम इसको हो गया रिलीज हुए, तो फाइनली मैंने इसको परचेज कर लिया है। तो आज इसका हम फर्स्ट लुक करेंगे एंड इसके बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे। तो इस प्लैटिनम एडिशन के साथ एक नया मैप भी आया है जिसका नाम है सिल्वर एंड फॉरेस्ट, तो आप देख सकते हैं। तो इसके मैप के नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये जंगल यानी कि फॉरेस्ट वाला मैप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो चलिए गाइस, ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर हम आते हैं, शुरू में थोड़ा सा लैग आ रहा है। तो यहाँ पर यह हमारा सीढ़ियाँ सी बनी हुई, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मतलब एक लुक अच्छा सा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर नीचे मशीनरी खड़ी हुई है अपनी, तो हम वहीं चलते हैं मशीनरी के पास। तो यहाँ से जाकर धीरे धीरे करके उधर जाते हैं। लकड़ी यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, लकड़ी ही है, मुझे लगा कोई कलेक्टेबल तो नहीं है। चलिए आगे हम नीचे। तो सबसे पहले ये है अपना घर, एंड घर तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ लकड़ी का बनाया है किस चीज़ का, लग तो ऐसा रहा है जैसे लकड़ी का बनाया हुआ है। यहाँ पर है अपना सोने का स्लीप ट्रिगर, यहाँ पर एक बार में धूप में बैठने के लिए। चलिए यहाँ पर अपनी मशीनरी है, ये एक वोल्वो का जो नया ब्रांड आया है उसके इस मशीनरी है। यहाँ पर ये एक शायद लकड़ियाँ उठाने के लिए है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर है काफ़ी खूबसूरत सा, एंड वोल्वो PM, इसका कुछ नंबर नहीं है क्या, BM ही है। यहाँ पर देखो इसके नीचे बैटरी बनी हुई है, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। एंड इसका कलर उड़ा हुआ है यानी कि ये चला हुआ ट्रैक्टर है पहले। यहाँ पर आई है विंच, ये एक नई चीज़ आई है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ आई है ये नई। तो ये लकड़ियाँ के मतलब बेसिकली ये फ्रेश में आया, इसलिए फ्रेश की रिलेटेड ही इसमें सामान है। तो यहाँ पर है हमारी फ्रेस्ट्री की एक हार्वेस्टर यानी कि लकड़ियाँ काटने वाली हार्वेस्टर। तो ये आपको मिलती है स्टार्ट में, मतलब जिस तरह से दूसरे मैप को स्टार्ट करने में आपको मिलता है सामान, यू नो, हार्वेस्टर एंड सीडर, प्लांटर, कल्टीवेटर, तो इसमें वो सब नहीं मिला, इसमें ये सब सामान मिला है यानी कि यू नो लकड़ियाँ काटने का से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पर अपना घर तो आपने देखा ही है। तो यहाँ पर ये है पेड़, ये पेड़ देखो नए नए आए हैं इस बार, काफ़ी खूबसूरत सा है। इस पेड़ का नाम क्या है, इसका पेड़ का नाम है पोंडा रेसा, पोंडिया रोसा पाइन, ये भी वही है। देख ये देखो ये कितना लंबा पेड़ है, ये भी एक नया पेड़ आया है प्लैटिनम एडिशन में, इसका नाम है लोज पोल पाइन, 36 मीटर ऊंचा है ये, देखो कमाल का यार। एंड इसके अलावा एक और नया पेड़ भी आया है, वो यहाँ पर तो नहीं है लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो कहीं पर और जगह पे है, यहाँ पर तो ऐसा पेड़ नहीं है। तो ये सारी मशीनरी है, उसके अलावा एक बार मशीनरी के ऊपर नज़र हम डाल ही लेते हैं। ये है मशीनरी, देखो ये एक ट्रैक्टर मिलता है हमें, ये फॉरेस्ट्री की एक हार्वेस्टर है, ये लकड़ियाँ उठाने वाला एक एक ट्रक सा कह सकते हैं आप। यहाँ एक चेंसो भी है, यहाँ पर ये विंच है, तो चेंसो ये रहा, चेंसो भी है। तो चेंसो तो आपको पता ही है लकड़ियाँ काटने में यूजफुल है। तो ये लकड़ियाँ काटने की, इसको अगर मैं काट कर देखूँ, आ ही नहीं रहा निशान, ये आ गया, ये देखो इसको ऐसे काटते हैं, यहाँ से करके इसको ऐसे काट दिया, ये 17 मीटर का है, उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा। तो उसके बाद इसकी ये ब्रांचेस काटनी होती है, बिल्कुल बीच के बीचों बीच इसको काटना होता है ऐसे, तो इससे सारी ब्रांचेस की जो है ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये बीच में शायद कोई और पेड़ आ गया, वरना तो गायब हो जानी चाहिए थी, ये तो नहीं गायब हो रहा, चलो छोड़ो इसको। तो चेंसो को रहने देते, भाई हम चलते हैं अपने ट्रैक्टर में। ये रहा, तो इसके पीछे ये विंच अटैच करके मैं कुछ को यूज़ करके दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा कि इसका यूज़ क्या है, बड़ी कमाल की चीज़ है ये, मतलब ये आपको एक बार यूज़ करनी आ गई ना तो आप तो फिर फ्रेस्ट्री को मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको रखते हैं, तो आपको उसके पीछे जाना है, यहाँ पर इसके एक केबल लगी हुई है, ये देखो ये यहाँ से है ये सारी। तो इसको यहाँ पर अगर आपको बटन दबाना है वाई, तो ये देखो ये देखो ये एक रस्सी निकल आई है, इसको लेकर जाना है लकड़ी के पास, जैसे यहाँ पर ये लकड़ी है, तो देखो यहाँ पर लाते ही ये निशान आ गया, तो यहाँ पर इसको दबा देना है। अरे यार ये छूट क्यों गई, निशान कौन सा दबा था, एक बार मेरे को खोलना पड़ेगा,
पुल विंचरोप यहाँ पर आते ही अभी इसको क्या करना है, यहाँ पर कोई आ नहीं रहा यार। यहाँ पर आना चाहिए था ना क्या? अटैच विंच ट्री टू विंच, ठीक है आ गया भाई। यही मैं कह रहा था, कोई निशान ही नहीं आ रहा यार, कमाल है। लेकिन फाइनली आ गया, अभी इसको खींचना है। तो डिटैच ट्री टू विंच, इसको कंट्रोल विंच। हाँ अभी ये देखो, ये आ गई ना लकड़ी अपने पास। अभी इस ट्रैक्टर को ऐसे आगे ले जाएंगे हम, तो ये लकड़ी अपने पीछे पीछे चलेगी। थोड़ा और इसको हम ऊपर उठा सकते हैं ऐसे। ओ लकड़ी ऊपर ऊपर ही उठ गई भाई, ऊपर तो नहीं उठानी होती है, वो नीचे ही छोड़ना है होता है। चलो ठीक है, अभी तो ये है बेसिकली इसका यूज। तो आपको ये भी पता चल गया, इसको ऐसे यहाँ से साफ कर देंगे बेसिकली। तो ये इसके लिए यूज की जाती है विंच, जो कि नई चीज़ आई है। इसके साथ हमें लकड़ी को जहाँ मर्जी घसीट, यूनो घसीट के ले जाओ। तो ये हो गया ये। तो अभी देखते हैं मैप को। तो ये है मैप, एंड जंगल ही जंगल दिख रहा है नीचे। यहाँ पर थोड़े से फील्ड दिख रहे हैं हमें, फील्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है यहाँ पर। एंड उसके अलावा शायद ये, शायद एक एक मिनट, ये ग्रास फील्ड है क्या या वैसे ही है? लग तो नहीं रहा ये ग्रास फील्ड है। हाँ शायद ये 41 नंबर जो है ये फील्ड ग्रास का है। यहाँ पर एक 42 फील्ड नंबर भी ग्रास का होगा। तो ये ग्रास फील्ड है, इसके पास जाकर देखते हैं हम क्या ये सच में ग्रास का फील्ड है। कहाँ पर है ये? ऊपर से हम जा तो नहीं सकते, कहाँ से जा सकते हैं हम इसके ऊपर कूद कर? नहीं जा नहीं पा रहा यार मैं। और कोई निशान है क्या? यहीं से जाना पड़ेगा, ये रहा। तो ये ग्रास का फील्ड है, इसके ऊपर घास ही घास लगी हुई है। तो ये अगर आपको अपने एनिमल्स के लिए कुछ खाना वाना चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। एंड अगर आप दूसरा काम करना है तो ये वाले फील्ड आएंगे। लेकिन अगर आपको जंगल का काम करना है तो यहाँ पर सारा जंगल ही जंगल है। तो हमें क्या मिलता है स्टार्ट में, हम देखते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है फील्ड नंबर, एरिया नंबर 36, एरिया नंबर 32 एंड एरिया नंबर 33। ये सारा टोटल ही हमारा है, ये ब्लू वाला एरिया। लेकिन बाकी का सारा ये एरिया जो है ये अपना नहीं है। तो अगर आप यूनो फॉरेस्ट्री करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये है बेसिकली इस मैप का सारा कुछ, आपको मैंने दिखा दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो नए नए स्टफ आए हैं वो। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे, ये अपना घर है जहाँ पर सामान खड़ा है। उसके अलावा यहाँ पर एक मशीन खड़ी हुई है, ये मशीन के अंदर मैं क्यों नहीं गया भाई? हाँ ये देखो, ये क्या है कि ये मशीन तो है, मतलब ये फोकलिफ्ट होती है, ये उठाने के लिए सामान है। लेकिन इसको मैं यूज नहीं कर पा सकता, मतलब इसको मैं यूज कर सकता हूँ लेकिन इसको, ये मेरी नहीं है, मैं इसको बेच नहीं सकता। यहाँ पर मैं आपको जाकर दिखाता हूँ इसका यूज क्या है। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर, यहाँ पर देखो ये शॉप है। यहाँ पर अगर वायर बाएंगे तो ये देखो हम खरीद सकते हैं चीज़ें, प्लैंक्स, प्लैंक्स लॉन्ग, वुड बीम्स, प्री फैब वॉल्स। तो ये सब चार पांच चीज़ें जो है यहाँ से हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको खरीद कर ही दिखा देता हूँ चीज़, नई चीज़ें क्या आई हैं। प्लैंक्स लॉन्ग नया आया है, एंड वुड बीम्स नया आया है, प्री फैब वॉल्स नया आया है। ये तीन चीज़ें नई आई हैं, प्लैंक्स तो पहले है ही था आपको पता ही है। तो ये देखो ये आया है नया सामान, ये है लकड़ी के फट्टे। देखो लकड़ी के फट्टे दिख रहे हैं ना यहाँ से लंबे लंबे। उसके अलावा ये है लकड़ी के बाले, इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं एग्जैक्टली, मतलब देसी भाषा में आ रहे हैं बाले कहते हैं। ये ऊपर छत पे लगते हैं, ये छत तो खैर दूसरी तरह की, लेकिन ये छत पर लगने वाले बाले होते हैं। बेसिकली होता क्या है, छतों के ऊपर ये लंबे लंबे बाले लग जाते हैं, उसके ऊपर फिर ये फट्टे रखे जाते हैं। तो ऊपर फिर मिट्टी मिट्टी डल जाती है, तो ये छत पक हो जाती है, मतलब ये पुराने ज़माने की छत होती थी। ये है प्री फैब्रिकेटेड वॉल, ये बेसिकली यू नो ये सब है, ये सारा जो यू नो दरवाजे बने हुए हैं एरिया इसके लिए। तो ये मशीन इस यहाँ पर इसीलिए रखी हुई है ताकि हम इस सामान को यहाँ से उठा सकें, ठीक है ना? तो ये भी हो गया। अभी चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है एक बोट यार्ड, यहाँ पर देखो नीचे लिखा आ रहा है बोट यार्ड रिक्वायर्ड मटेरियल नेक्स्ट स्टेप।
तो ये तीन अलग अलग स्टेपों में कंप्लीट होती है बोट यार्ड जो है, ये शायद दो अलग अलग स्टेपों में होती है कंप्लीट। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपको प्लैंक्स चाहिए होंगे, वुड प्लैंक्स लॉन्ग चाहिए होंगे, वुड बीम्स चाहिए होगा, मेटल चाहिए होगा और फ्लोर टाइल्स चाहिए होगी। तो आप खरीद भी सकते हैं चीज़ों को, लेकिन खरीदने से बेहतर आपको यही है कि आप खुद इन चीज़ों को बनाएं। तो आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली बोट यार्ड है, यहाँ पर हम इसको खरीद भी सकते हैं। इसको खरीदने के लिए 1,25,000 डॉलर चाहिए होंगे, हमारे पास तो नहीं है खैर। तो ये है बोट, यहाँ पर अभी ये ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन ये इसको हम सामान देने लग जाएंगे तो ये बोट बनने लग जाएगी। उसके बाद फिर ये यहाँ से होती हुई नीचे चली जाएगी ऐसे, एंड वहाँ से फिर पानी के अंदर जाकर, एंड फिर मतलब अपना कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, हम नहीं यूज़ कर चले सकते। गए। यहाँ पर मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली, तो आप देख सकते हैं नीचे के लिखा रहा है कि लॉन्चिंग इन बस कुछ ही सेकंड, तो मैंने टाइम को वो तेज कर रखा है, तो अभी ये लॉन्च होने वाली है अपनी बोट जी। ये लीजिएगा, लॉन्च होगी ये बोट। तो इसको मैंने बाद में मतलब ये क्लिप ऐड की है, तब मैंने एक बार पूरी रिकॉर्डिंग कर दी थी, बाद में सोचा एक बार आपको बोट बना कर दिखाई देता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सारी बोट बनाई है। इसको मैंने जो जो सामान चाहिए था प्रोवाइड कर दिया था, एंड टाइम लिया है इसने काफ़ी, एंड लेकिन फाइनली ये बन गई है। एंड अभी देख सकते हैं आप कि ये चली गई है, थोड़ी देर में हमारे पैसा मिल जाएगा, लगभग 3 लाख शायद मिलते हैं, अभी आ जाएगा देखते हैं। हाँ ये देखो 3 लाख डॉलर मिल गए, सोल्ड प्रोडक्ट लिखा आ गया। तो ये बोट अपनी जो है बिक चुकी है 3 लाख में, तो इसलिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। एक एक बोट 3 लाख की बिक जाती है, तो बोट बनाते जाओ, बेचते जाओ, पैसा कमाते जाओ। नई बोट बननी शुरू भी हो गई होगी जहाँ तक मुझे जानकारी है। बिल्कुल ये देखो नई बोट बननी शुरू भी हो चुकी है। तो एक बार फिर से इनको जो जो सामान चाहिए वो लाल अगर इनको प्रोवाइड कर देंगे अगर हम, तो ये बोट बनती रहेगी ऐसी, एक बिकती रहेगी, नई बननी शुरू हो जाएगी, बस बहुत ही पैसा बन सकता है इसमें। अपना कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, हम नहीं यूज़ कर सकते, ये मैं आपको बता दूं कि इसको हम खुद नहीं चला सकते, ये कोई और चला सकता है, हम नहीं चला सकते, लेकिन हम इसको बना सकते हैं एंड बेच सकते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है सामिल। तो सामिल जो है ये रही ओल्ड सामिल, ये है ये सारा एरिया, यहाँ पर लकड़ियाँ लानी होगी। इस पानी के अंदर सिस्टम बना रखा है इन्होंने, यहाँ पर लकड़ी लाओ एंड फिर वहाँ से वो निशान है वहाँ पर, वहाँ से इसको बेचो एंड फिर इसको खरीद लो, अगर बेचना तो बेच दो वरना फिर इसको खरीद लो। खरीदने के बाद यहाँ पर बनेगा 4 चीज़ें, एक प्लैंक्स, एक लॉन्ग प्लैंक्स, एक वुड बीम्स एंड एक प्री फैब्रिकेटेड वॉल जो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो फिर बनकर यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये सारा निशान जो है, ये सारा एरिया जो है यहाँ पर फिर आपके वो सामान जो है आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ से आकर उठा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ट्रेन की मदद से भी बेच सकते हैं। देखो यहाँ पर ट्रेन भी है, तो यहाँ से ऊपर चढ़कर एंड यहाँ पर इसके ऊपर लाद दो सारा सामान, एंड वहाँ जाकर आगे फिर बेच दो। एंड ये है सारा सिस्टम इसका। तो उसके बाद इसका यूज़ करते हुए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप बना सकते हो, तो उसके लिए हमें चलना होगा थोड़ा और आगे, मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो चलिए गाइस, मैंने एक ये गाड़ी लीज पर ले ली है, किराए पर ले ली है, ताकि इसके ऊपर हम चलेंगे एंड सारे कुछ मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर एक रोलर कोस्टर की फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे लिए फैक्ट्री ही है क्योंकि चीज़ें बनानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगा रोलर कोस्टर, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, ये एक बार में बनने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे चाहिए होगा वुड बीम्स 6,000 लीटर, प्लैंक्स चाहिए होगा 4,000 लीटर, प्लैंक्स लॉन्ग, मेटल, फ्लोर टाइल, स्टेयर केस रेलिंग, ये सारा सामान इसके लिए आपको चाहिए होगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें तो आपको बता ही सको कहाँ से बनेंगी, लेकिन मेटल, फ्लोर टाइल्स एंड स्टेयर केस रेलिंग वो जो है वो कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमें अलग अलग फैक्ट्रियाँ के पास जाना होगा जो कि यहीं पर हैं, अवेलेबल हैं, वहाँ पर बस हमको सामान देना होगा उनको। तो वहाँ पर हम उनको सामान देंगे तो वो हमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स जो है बना कर देंगे। तो सबसे पहले इस तरफ चलते हैं, तो इस तरफ से फैक्ट्रियाँ शुरू हो जाती है अपनी। तो ये देखो आगे वो निशान दिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक फैक्ट्री है हमारे लिए। तो ये क्या फैक्ट्री है, हम जाकर यहाँ पर जाकर देखते हैं। ये फैक्ट्री है बैरल मेकिंग, तो यहाँ पर बनते हैं वुड पैलेट एंड बैरल, ये 1,20,000 के खरीद सकते हैं हम। यहाँ पर देखो ये वाला सामान बनता है यहाँ पर, ये बैरल्स यानी कि ढोल एक टाइप के कह सकते हैं आप इसको, तो ये ढोल से बनाते हैं। वो देखो ऊपर भी पड़े हुए हैं ढोल, एंड यहाँ पर आपके फिर ढोल के पैलेट जो हैं आ जाएंगे। ये रही गाड़ी अपनी, तो अभी यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ पर एक फैक्ट्री है उसके बाद। अरे भाई वो बंदा गया, बंदे को उड़ा दिया मैंने, चला जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पर एक और फैक्ट्री है अपनी, इस फैक्ट्री का नाम है शिंगल कंपनी। यहाँ पर बनते हैं शिंगल। तो शिंगल क्या होता है, शिंगल लगते हैं छतों के ऊपर, जैसे ये छत है, इसके ऊपर वैसे शायद फ्लोर टाइल्स लगी हुई है। ये देखो ये लकड़ियों के घर बने हुए हैं, इस ये बड़ी सी चीज़ की है, ये फैक्ट्री भी लकड़ी की बनी हुई है। तो ये बेसिकली बहुत सारे अपने इंडिया में, तो देखो आपको पता कि बारिश बारिश की वजह से लकड़ी के घर ज़्यादा चल नहीं सकते। हाँ होते होंगे यार, मेरे को कौन सा पता है, हमारे यहाँ तो नहीं होते, लेकिन होने वाली जगह पे होते भी होंगे। तो लकड़ी के घर भी होते हैं, तो उसके लिए लकड़ी की छतें होती हैं, तो शिंगल कहते हैं उसको, लकड़ी की छत को कहते हैं शिंगल। तो ये उस शिंगल की फैक्ट्री है। यहाँ से हम थोड़ा इस तरफ चलेंगे, एंड इस तरफ तो रास्ता ही नहीं है, तो उधर से जाना पड़ेगा ऊपर से। अच्छा इधर भी आ गया, ये रही, इधर भी आया है फैक्ट्री। नहीं यार ये तो शायद बेचने के लिए है, बैशिंगर फार्मिंग। नहीं यार ये फैक्ट्री तो नहीं लग रही। हाँ ये देखो ये भी कुछ है, क्या ये आर्ट एक्सेसरी। अच्छा यहाँ पर भी फ्रेम बनते हैं, इसीलिए फ्रेम लिखा हुआ है, फ्रेमिंग। मैं फार्मिंग बोल रहा हूँ, ये फार्मिंग नहीं है, फ्रेमिंग है, बैशिंगर फ्रेमिंग। तो यहाँ पर बनते हैं फ्रेम, ये भी लकड़ी का सामान बनता है। ये तो खैर इतना यूजफुल नहीं है अपने लिए, ये तो वैसे ही मज़े लेने के लिए आप बना सकते हो, लेकिन ये रोलर कोस्टर या बोट यार्ड के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। रोलर कोस्टर और बोट यार्ड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरफ चलेंगे हम, तो यहाँ पर एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री क्या है भाई, ये फैक्ट्री है पेट एक्सेसरी। तो यहाँ पर पेट्स के लिए सामान बनता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल पेट कंफर्ट। तो यहाँ पर अलग चीज़ें बना सकते हैं आप अपनी काओ के लिए, ना सॉरी काओ जी नहीं, कैट के लिए, डॉग के लिए एंड बर्ड्स के लिए। यानी कि अगर आप पालतू रखते हैं अपने घर में कुत्ते बिल्लियाँ या फिर क्या होते हैं वो, कोई बर्ड रखते हैं जैसे तोता कबूतर ऐसा कुछ, तो उनके लिए आप यहाँ पर अलग तरह का सामान बना सकते हो। यहाँ पर एक फैक्ट्री है, इसका क्या नाम है, यह है फ्लोरिंग फंटेस्टिक। हाँ यहाँ पर बनेंगे फ्लोर टाइल्स, छत पर लगने वाले जो टाइल्स होते हैं, अरे सॉरी फ्लोर टाइल्स थोड़ी होते हैं यार, फ्लोर टाइल यानी कि नीचे नीचे अपने अपने यू नो फ्लोर जो होता है आपका घर का फ्लोर जो होता है ना, क्या होता है यार फ्लोर, अरे यार फ्लोर को क्या कहते हैं नीचे, फ्लोर को कुछ कहते तो हैं यार अपना, नीचे जो होता है ना अपने घर के नीचे क्या होता है यार, वो फर्श, फर्श होता है शायद, फर्श कहते हैं उसको। तो जो अपने घर का फर्श होता है उसके लिए जो मतलब फ्लोर टाइल्स होती है, अपने घर में इंडिया में कम होते हैं, अरे यार अपने इंडिया में कम होते हैं लकड़ी के घर, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में लकड़ी के घर होते हैं, तो वहाँ पर लकड़ी के ही जो है मतलब नीचे टाइलें लगाते हैं, लकड़ी के फर्श लगाते हैं नीचे, तो पोचा भी नहीं लगाना पड़ता होगा, बढ़िया है ना। लेडीज तो वहाँ काफ़ी खुश होती होंगी। यहाँ पर क्या है, नीचे उतर के देखना पड़ेगा, ये है फर्नीचर फैक्ट्री। यहाँ पर बनेगा आपका अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे चेयर्स टेबल्स हैं इस तरह की चीज़ें, तो आप वो यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर है आपकी वुड टर्नर फैक्ट्री, यहाँ पर आपकी बनेगी तीन चार चीज़ें, जैसे स्टेयर केस रेलिंग एंड लकड़ी के बाउल्स एंड पेपर ग्राइंडर्स, इस तरह की चीज़ें बनती हैं यहाँ पर। तो सारा कुछ मैं बनाकर दिखाऊंगा, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं कैसे बनता है, कैसा दिखता है बनने के बाद, तो अपने चैनल को यार अभी सब्सक्राइब करो, मैं इसके ऊपर सीरीज लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें मैं एक एक करके सारा कुछ बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ चलते हैं, इस तरफ भी कुछ है, पता नहीं मेरे को कहीं मैं वापस तो नहीं वहीं पर घूम पर आ गया, शायद लग तो नहीं रहा है। डोरिस ट्रेशर, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो शायद वैसे ही है कपड़े चेंज करने वाला मेरे को लगा यार कुछ है ये, लेकिन नहीं यार ये तो वैसे ही है। अभी हमको कहाँ जाना है, क्या चीज़ रह गई है भाई, 1 मिनट, ये सेव होने लग गया। तो यहाँ पर हमने क्या कुछ देख लिया, बैरल फैक्ट्री देख ली है हमने, आर्ट एक्सेसरी देख लिया है, शिंगल फैक्ट्री भी देख ली है, एंड पेट एक्सेसरी फैक्ट्री भी देख ली है, फ्लोरिंग फैक्ट्री भी देख ली है, एंड फर्नीचर फैक्ट्री अभी भी देख कर आए हैं, वुड टर्नर फैक्ट्री भी देख लिया है, एंड बेसिकली लगभग सारी तरह की जो बेस। हाँ यहाँ पर एक और फैक्ट्री है, ये रही पेपर फैक्ट्री, इसको कहते हैं। यहाँ पर बनेंगे आपके पेपर के कार्टन रोल्स, तो यहाँ पर आप वो बना सकते हैं, यहाँ ये यहाँ पर उसको खरीद सकते हैं, काफ़ी महंगा है, 1,30,000 का। तो यहाँ पर लकड़ी लानी पड़ेगी, यहाँ पर लकड़ी लाओ एंड फिर वो जो
ये वाला बटन है, ये दबाओ एंड ये लकड़ी आपकी बिक जाएगी एंड यहाँ पर आप फिर बना सकते हैं पेपर्स। टाइम फॉर अ ब्रेक, ये हाइकिंग वगैरह करने का सिस्टम बना रखा है। अभी मैं चलता हूँ आपको लेकर यहाँ पर, ये बेसिकली हमारा लास्ट होगा आज का। तो ये है, यहाँ पर दो और ऐसी मशीनें खड़ी हैं जो हम चला नहीं सकते ना, मतलब ये चला सकते हैं लेकिन ये हमारी नहीं है, इसको हम बेच नहीं सकते। ये बेसिकली हमारे यूज के लिए हैं। तो इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है यहाँ पर है माइनशाफ्ट। तो बेसिकली माइनशाफ्ट क्या होता है कि लोहे का फैक्ट्री एक तरह से होती है, लोहे का काम होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये फैक्ट्री का जो लोहे का चूरा हो जाता है, मतलब जो लोहा वेस्ट लोहा हो जाता है ना, उसको ये फैक्ट्री बाहर गिरा देती है यहाँ से, इस जगह से। इसको कहते हैं आयरन ओर। तो इस आयरन ओर की मदद मतलब से हम बना सकते हैं मेटल। तो भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से बनता है, कैसा बनता है। तो उसके लिए ये इस तरीके, इसके बाद इसको आपको ऐसे करना है, ऐसे किया एंड उसके अंदर आपको इसको डाल दिया एंड बस छोड़ दिया इसको। इसके अंदर जाएंगे देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है 1000 लीटर। तो ये हमने जो मतलब वहाँ से उठाकर इसकी मदद से लेकर आना है। तो ये देखो, ये है आयरन ओर, लोहे का बुरादा यानी लोहे का चूरा कह सकते हैं आप इसको। तो इसका यूज होता है मेटल फैक्ट्री में भी। मेटल फैक्ट्री में आपको कहाँ पर लगा कर दिखाऊँ, कोई सस्ती से घर हो ना, सस्ता सा एरिया हो। ये 42 नंबर एरिया शायद सस्ता होगा हमारी पहुँच से, तो ये भी बाहर ही है। मैं इसको बेच देता हूँ, ये हमारे लिए ज़मीन को इतनी ज़रूरी नहीं है, इसको खरीद लेते हैं हम। एंड यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, हमारे पास पैसे तो उतने नहीं है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा लोन ले लेता हूँ क्योंकि ये फैक्ट्री काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, अभी तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पर आ गए हैं हम। अभी हम चलेंगे प्रोडक्शन में और फैक्ट्री में। तो यहाँ पर वो फैक्ट्री है, इसका नाम है आयरन फर्नेश। ये रही आयरन फर्नेश फैक्ट्री। तो यहाँ पर हमारा इस तरफ है ना, वो क्या थी वो फैक्ट्री, तो ये रही वो फैक्ट्री। इसको लगा देंगे, 1,80,000 की है, इसीलिए मैंने पैसे खरीद लिए थे पहले ही, मुझे पता था ये बहुत महंगी है। तो ये देखो, ये है आयरन फर्नेस फैक्ट्री, 1,80,000 की। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है रीड एंड सोन्स, इसका पता नहीं क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर बनेगा आपका मेटल। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ क्योंकि हमने इसको खरीद ही लिया है, तो इसको तो हम दिखाई सकता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पर बनता है मेटल, इसके लिए हमको आयरन ओर देना होगा एंड मेटल बन जाएगा इसका। तो ये है बेसिकली आज का इस मैप टूर का गेम प्ले, गेम प्ले नहीं है मैप टूर है ये, फर्स्ट लुक थी इसकी। इसके अलावा बहुत सारा सामान आया, वो मैं आपको दिखाने ही भूल गया। एंड ये देखो, ये सारा सामान जो है इसके साथ आया है, प्लैटिनम एडिशन के साथ। ये दो हार्वेस्टर आई हैं, ये भी एक हार्वेस्टर है, ये भी लकड़ियाँ काटने का ही एक हार्वेस्टर है, ये लकड़ियाँ का उठाने वाला एक सिस्टम है बेसिकली। एंड ये लकड़ियाँ काटने के लिए, उठाने के लिए है, ये भी लकड़ियाँ उठाने के लिए है, ये भी लकड़ियाँ उठाने के, बेसिकली लकड़ियों का ही सामान आया। ये दो विंच हैं, मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये है केबल यार्डर, ये मैं आपको फिर दिखाऊंगा कभी यूज करके। इनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, इतना आसान नहीं है उसके। ये भी केबल यार्डर है, ये भी लकड़ियाँ उठाने के लिए है, ये लकड़ियाँ उठाने वाले ट्रेलर हैं, ये एक ट्रक्टर है वोल्वो का जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ये भी एक वोल्वो की मशीन है, ये भी वोल्वो का है, ये वोल्वो के व्हील लोडर आए हैं, बड़ी कमाल की चीज़ें हैं ये भी, कभी ना कभी इनको यूज करेंगे हम व्हील लोडर्स वोल्वो के। एंड उसके अलावा ये है भी वोल्वो का एक हाई लिफ्ट है, ये लकड़ी उठाने के लिए है। एंड उसके अलावा ये वोल्वो के 3 ट्रक आए हैं बड़े सुंदर सुंदर से। ये एक मशीन जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, फोक लिफ्ट है, यह भी ये आपके पैलेट वाला उठाने के लिए लोड लोडर है, ये भी एक लोड लोडर है। ये बकेट है आपका सारा सामान उठाने के लिए, ये भी बकेट है। एंड ये भी बड़ी सारी बकेट है, बड़े बड़े साइज़ की, ये देखो 5000 लीटर की है, यानी एक 10000 लीटर की बकेट भी है। ये देखो, नहीं ये तो 5000 की है, ये भी 35 होगी, ये है 10000 लीटर की बकेट। इसका साइज़ बड़ा कमाल का भाई, इतनी बड़ी बकेट। ये देखो, ये सारा सामान आया है इसके साथ, ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ये है रॉक रिमूवल, एक इसके साथ हम पत्थर तोड़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तोड़ के। ये भी, ये है लकड़ियाँ, ये है प्लांट करने का, पेड़े लगाने का, प्लांट करने का, ये वुड क्रैकर लकड़ियाँ काटने के लिए है, ये उठाने के लिए है। ये है ट्री सैपलिंग, इसके अंदर नए नए ट्रीज आए हैं। तो
तो स्प्रूस आया है, पाइन है, स्टोन पाइन है, इस तरह करना। ये तो पुराने ही हैं लेकिन नए भी आपको दिखाता हूँ कौन से आए हैं। ये देखो जायंट सुकवाइस। अरे यार मैंने नए आपको पेड़ नहीं दिखाए, एक रह गया मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये कंटेनर आया है लकड़ियाँ उठाने के लिए, ये अलग 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 रंग आए हैं, ये भी आपको यूज करके दिखाता हूँ, रेड वाला करके दिखाता हूँ। एंड पहले मैं आपको पेड़ ही दिखाता हूँ, एक मिनट, शायद यहाँ पर हम लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर होगा कहाँ पर, ये रहा ये रहा, ये देखो ये पेड़ देखो कितना घातक है, कितना खूबसूरत भी है। ये है लकड़ रेड वुड, जो पुष्पा फिल्म में आपने देखा होगा सैंडलवुड। हालांकि वो इससे अलग है, वो सब वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो कहीं पाया नहीं जाता शायद ऐसा है, लेकिन ये भी कुछ उसी तरह का है। तो इसके ऊपर हम रंग करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ रंग करके, ये देखो अलग अलग इसका रंग हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज होता है, एक मिनट, इसका रंग चेंज करने के लिए या इसका रंग चेंज मार्कर, अच्छा इसका देखो अलग अलग तरह के मार्कर्स के साथ इसका आप रंग कर सकते हो। तो ये लकड़ियों को ही मार्क करता है, मुझे नहीं लगता ये किसी और चीज़ को मार्क करता होगा। दिखा देता हूँ करके, अगर होता है तो देखते हैं इस घर के ऊपर कर देगा मार्क। ना यहाँ पर नहीं कर रहा, उड़ रहा है देखो लेकिन कर नहीं रहा है। इस ट्रैक्टर के ऊपर कर देगा, ये पेड़ के ऊपर तो कर ही देगा, ये तो अपना पेड़ ही है। ये देखो इसके ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है रंग, ये चमक रहा है, बाहर अंधेरे की तरफ चमकता है, देखो है ना। तो ये है यार आज का सारा गेम प्ले, आज का सारा कुछ सिस्टम जो कुछ भी आपने देख लिया, ये सारा मशीनरी आई है, ये नया पेड़ आया है। ये पेड़ यहाँ पर उतना खूबसूरत नहीं लग रहा, मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, शायद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, शायद यहाँ पर गैस स्टेशन के पास। अरे यार यहाँ पर तो दूसरे पेड़ हैं यार, वो पेड़ है तो थे, कहाँ पर थे, यहाँ एम क्रीक में जा सकते हैं, नहीं यहाँ तुम जा ही नहीं सकते, यहाँ पर जा सकते हैं कंटेनर वेयर हाउस में। ये देखो ये है वो पेड़, ये पेड़ों की मैं बात कर रहा था कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखो दूर दूर है और ये बड़े बहुत हैं यार, ये इसका साइज इनके पास जाकर आपको पता चलेगा ये कितने बड़े हैं। अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि ये गेम है, रियल लाइफ में इसको देखना आप, ये तो खैर हम काट नहीं सकते, मार्क भी नहीं कर सकते, नहीं मार्क भी नहीं हो रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू मार्क इन दिस ट्री। अच्छा इस पेड़ को मार्क नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ये है यार ये जंगल, खूबसूरत से पेड़ एंड कितना बढ़िया लग रहे हैं यार ये, लेकिन इनको काटने के ऊपर सख्त मनाही है। हालांकि इन गेम बनाने वालों ने पता नहीं क्यों इनको ऐड कर दिया जब इनको काटने में मनाही दे रखी है। हाँ इसको हम काट सकते हैं, काट कर बेच सकते हैं, लेकिन बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगी वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो गेम प्ले में ही आपको बताऊँगा क्या है दिक्कत। काटने तो सकते हैं हम इनको, काट देंगे, लेकिन 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 पंगा पड़ सकता है, आपको मैं बताऊँगा जब गेम प्ले खेलेंगे। तो आज का गेम प्ले, आज का सीरीज, आज का मतलब मैप टू और फर्स्ट लुक वीडियो यहीं एंड कर दें। कैसा लगा आपको यार, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करो। एंड इस मैप के ऊपर मैं बहुत जल्द एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नए गेम प्ले के साथ, नई सीरीज के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।